किसी भी एक्टिविस्ट रोल में जुड़ा नहीं ओके बट बिकॉज मैं कुछ चीजों को पब्लिक के सामने ठीक से रख सकता हूँ बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड्स आई टेक अप अपट रेस्पॉन्सिबिलिटी सो दो हजार पंद्रह में बाई विच टाइम आई कम्पलीटेड अबाउट सिक्स इन द प्रोफेशन मैं दो हजार सोलह में इंडिपेंडेंट गया था उसके एक साल पहले अ फ्यू सीनियर एडवोकेट्स इन पर्टिकुलर श्री सी एस वैद्यनाथन जिन्होंने रामलला की पैरवी की थी अयोध्या केस में he reached out to me specifically saying that मुझे लगता है कि आप के इन मुद्दों में या फिर एन वाम में आना चाहिए because uh, he and i have been opposing counsels before that okay so सबसे बड़ा अगर आपका कोई मतलब uh, champion हो सकता है typically it has to be your opposite counsel क्योंकि he has tasted what you can do from the opposite <laughs> side so that way i am very grateful to such a huge figure in the legal fraternity कि उन्होंने इट्स लाइक समझा कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस मैटर में आ जाओ so mr cs vaidyanathan एंड आज जो एडवोकेट जनरल सॉरी अटॉर्नी जनरल श्री वेंकट इस अभियान इस को कोर्ट में लीड कर रहे थे okay. so, स्वामी दयानंद सरस्वती जो एक आ, संस्थान चलाते थे एंड ही मोदी ऋषिकेश जी 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 एग्जैक्टली करेक्ट करेक्ट तो उन्होंने दो हजार नौ में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया था आस्किंग फॉर स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ थ्री लेजिस्लेश जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तब तेलंगाना नहीं था एंड पाण्डिचेरी के जितने भी मंदिर के कंट्रोल के अधिनियम हैं उनको चैलेंज करते हुए hmm. ये पिटिशंस अनफॉर्चुनेटली आज भी पेंडिंग है तो मुझे इस मैटर में श्री सी एस वैद्यनाथ ने इन्वाइट किया था कि आप भी इसका भाग बन जाइए इस पर काम करना शुरू कीजिए सो दैट्स हाउ माई इंट्रोडक्शन हैपन एंड जब मैंने केस का मटीरियल पढ़ा मुझे लगा कि ये बात जो है पब्लिक को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी लड़ाइयाँ होती हैं

Okay. वहीं से शुरू हुआ था आज एक बहुत ही पॉपुलर चैनल है ऑर्गेनाइजेशन इसका, इसका mm -hmm. uh, uh, sure. तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था इस मुद्दे पर बात करने के लिए तब से एक्चुअली मेरे पब्लिक एंगेजमेंट शुरू हुए थे और अब ये कहा लड़ाई तो ये लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट में एक स्तर पर लड़ी जा रही है

दैट माई रोल इन दिस हैज बी वेरी प्रोफेशनल तब जाके आपकी जो तैयारी है प्रोफेशनल तरीके से होगी yes. वरना ये जो दे कॉल वॉट ये कॉल ऑब्जेक्टिविटी संदर्भ वो बिगड़ जाता है योर एबिलिटी टू एट थिंग्स ऑब्जेक्टिवलीज टू बी वेरी वेरी इंटैक्ट अगर आप इसको वकील के नजरिए से देखेंगे अगर आप इसके साथ पूरी तरह से जुड़ जाएंगे फ्रॉम एन एक्टिविस्टी परस्पेक्टिव तो आपका आर्ग्यूमेंट इमोशनल होने के चांसेस हैं yes. कोर्ट में उसका कोई स्थान नहीं है yes. तथ्य क्या है

वकील के रेगुलर कमर्शियल कमिटमेंट्स होते हैं और वो अपने 10 या 15 परसेंट का जो टाइम होता है उन कॉजेज के लिए देते हैं जहां ये मुफ्त में करते हैं सो दिस इज माई प्रोबोलो कमिटमेंट अ लॉट ऑफ पीपल ह्यूमन राइट्स राइटेस आई टेक अप अ लॉट ऑफ हिंदू एज पार्ट ऑफ माई कमिटमेंट्स सो इट इज लेस ऑफ ओवरऑल प्रैक्टिस सो आपको लगता है ये मुद्दा सॉल्व करने लायक है या हो पाएगा ये या फिर ये बहुत ट्रिकी ट्रेन है और देखिए क्योंकि बहुत बहुत बड़ा ये अलग अलग राज्य हैं अलग अलग लोग हैं इज वन सिंगल मैजिक वे आराम से हो जाएगा ओके okay. सबको जाके कोर्ट के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है एन यू टेली ये मुद्दा जो है संविधान के कंकरेंट लिस्ट में आता है और कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि उस पर केंद्र का और प्रदेशों के सरकार का दोनों का अधिकार होता है ओके okay. लेकिन केंद्र का ज्यादा होता है और अगर केंद्र ने उस पर कोई अधिनियम पास कर दिया राज्य की सरकारें ऐसा कोई अधिनियम पास नहीं कर सकती हैं जो इसके विरुद्ध जाता है ओके दैट्स द बेसिक नेचर ऑफ द कंकरेंट लिस्ट सो एंट्री डील्स विद रिलस एंडमेंट्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इसका मतलब यह है कि अगर केंद्र सरकार चाहे वो एक मॉडल लेजिस्लेशन पास कर सकती है जिससे यह डिसाइड हो सकता है कि सरकार की जो हस्तक्षेप करने की जो क्षमता है मंदिरों में वो कम किया जाए कम किया जाए और मंदिरों के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ये एलिनेट ना किया जाए स्पेशली लैंडेड प्रॉपर्टी क्योंकि एक कम्युनिटी के प्रेजेंस को अनाउंस करता है उसका का प्रेजेंस <laughs> अब आप लीजिए करेक्ट राइट दैट्स एग्जैक्ट दैट एम ट्राइंग टू गिव कि उल्टा हो रहा है हमारे साथ हमारा तो सब कुछ लूट रहा है और वो इसलिए जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट्स इनको एलिनेट किए जा रहे हैं और आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है सौ परसेंट होता है मार्केट का वैल्यू आपको वी विल गिव ढाई सौ परसेंट लैंड की जो भरपाई जो है लैंड से होती है पैसे से नहीं है पर्टिकुलरली जब कम्युनिटी की बात होती है समझ लीजिए ये आपका निजी प्रॉपर्टी है निजी संपत्ति है यू कैन एक्सेप्ट मनी इन रिटर्न फॉर इट

बिकॉज एवरीबडी वॉन्क्सेस टू वी आई पी दर्शन एवरीबडी वॉन्ट्स एक्सेस टू पोजिशन ऑन गवर्मेंट ट्रस्ट एवरीबडी वॉन्ट्स एक्सेस टू टेम्पल मनी ओके मतलब मंदिर के जो मतलब जो धर्म भंडार होता है हुँ. ये अक्षय पात्र की तरफ होता है जो भी आता है मतलब हाथ उसमें डालता है और पैसे लेके जाता है फ्लड रिलीफ होता है मंदिर से लो लेकिन मैक्सिमम मतलब क्रिटिज्म पब्लिक प्रोफाइल में जो भी होता है वो मंदिर का ही होता है Correct. कोई हमें श्रेय नहीं देता है कोई हमें क्रेडिट नहीं देता है कि मंदिर ये सब कर रहे हैं भारत के लिए कंसिडरिंग दैट आई थिंक इफ द यूनियन डिसाइड्स टू डू इट दे कैन डू इट हमेशा मैं यही कहता हूं कि हल जो है लॉ में नहीं होता है उसकी शुरुआत होती है पोलिटिकल विल से एंड पोलिटिकल विल कभी कभार अगर नहीं होता है उसको बनाना चाहिए थ्रू पब्लिक प्रेशर क्योंकि अंत में पब्लिक डिसाइड करेगी कि अगर आप ये डिलीवर करेंगे तो आपको वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा तो इंसेंटिव क्रिएट करना भी हमारा ही काम होता है या डिसइंसेंटिव क्रिएट करना भी हमारा ही काम होता है My faith is always more in the society than in the state. That much I'm very clear about.